आधार कार्ड पैन कार्ड से लेकर एक बहुत ज़रूरी जानकारी सभी के लिए निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर आप आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक नहीं कराते तो 31 मार्च 2023 के बाद आपका पैन कार्ड पूरी तरह से काम करना बंद कर देता। कहने का मतलब है आप अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकते थे, आप अपने डीमैट अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकते थे, आप 50,000 से ज़्यादा कहीं से निकाल नहीं सकते थे, विड्रॉल नहीं कर सकते थे। आपके लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आने वाली थी। पर अब यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अपडेट जानने से पहले सभी यहाँ पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के चैनल वीडियो को शुरू करते हैं। न जाने कितने सालों के प्रयास के बाद आज भी यहाँ पे भारत में लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करा रहे हैं। कई बार तारीखें बदली गई, कई बार तारीखें बढ़ाई गई, कई बार इस पर जुर्माना भी लगाया गया, कई बार इस पर चार्जेस भी लगाए गए, कई बार लोगों को समझाया गया कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना ज़रूरी है। पर यहाँ पर यह भी बताया गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है? सबसे पहले इसमें आते NRI। NRI कौन? जो देश में लगभग 180 दिन से ज़्यादा भारत में रहते ही नहीं है। कहने का मतलब है कि लगभग 6 महीने से ज़्यादा वो भारत में नहीं बिताते। ऐसे लोगों को आधार से पैन कार्ड लिंक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अब ऐसे लोग जो भारत के हैं ही नहीं, जो भारत के नहीं है ऐसे भी आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक क्यों कराएंगे, ये सोचने वाली बात है। और मेघालय, त्रिपुरा, कुछ ऐसे रिमोट एरिया हैं जहाँ पे भी आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी लोग जिनका उम्र 80 साल से ज़्यादा हो चुका है उनको भी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक और ज़रूरी जानकारी थी, जैसा कि आपको पता था कि अभी तक अगर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराना है तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। आपको मैं सभी स्टेप्स के बारे में बताऊँगा। सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पर निकल के आता है वो है आपको सबसे पहले अपने पैन कार्ड को वैलिडेट करना है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के ऑफिशियल साइट पे चले जाना है, वहाँ पे जाइएगा, एक यहाँ पे सी दिखेगा जहाँ पे पैन कार्ड वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है, जहाँ पे जाके आपको पैन कार्ड को वेरीफाई कराना होता है। उसके बाद आपको पैन कार्ड आधार कार्ड के स्टेटस को चेक करना होता है। उसके बाद जब आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के स्टेटस को चेक कर लेते हैं उसके बाद जाके कहीं नंबर आता है आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक कराने के बारे में। मैं मन में कुछ और सोच रहा था, क्योंकि जब आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को जब लिंक करवा देते हो फाइनली, अगर आपने नहीं करा रखा है, अगर आपने करा रखा है तो ठीक है, अगर नहीं करा रखा है तो पहले 31 मार्च 2023 तक ये लास्ट डेट था जिसको अब बढ़ा दिया गया है। एक बार फिर तारीख पे तारीख, फिर तारीख पे तारीख, और अब ये तारीख पहुँच गया है 30 जून। 3 महीने का समय मिल गया है। अब मैं आपको बताऊँ, अगर आप 30 जून तक भी आप आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं लिंक कराते तो क्या होगा, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बताइए कि 30 जून को ऐसा क्या नया आदेश निकल के आने वाला है, कमेंट करके बताइएगा। इंतज़ार कर रहा है।